Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the restriction modification system and the various terminologies used in restriction modification system. So baat karte hain restriction enzyme ke baare mein. As I have told you in my previous video about restriction enzyme, about the cutting nature of restriction enzyme. So these are the some roles given of the restriction enzyme. Like I have told you in my previous video, it provides the defense mechanism to the bacteria or the prokaryotic microorganisms. It protects from the foreign DNA, and more than one RNA can be used for the protection. Okay? Viruses which infect the bacteria having modification system in genome that the RE cannot cut the site. ऐसे वायरसेस या ऐसे माइक और अदर ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम में मॉडिफिकेशंस होता है उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर सकता. ये बेसिक मैं बता चुका हूँ आपको. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. तो अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो अपने जीनोम को भी मॉडिफाई करता है ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ना कर पाए. ठीक है, बैक्टीरिया सेल्स protect their genome by the modification enzymes. Restriction modification enzymes होते हैं, उन modification enzyme के through क्या करता है कि bacterial अपने genome को modify कर लेता है, वो restriction enzyme से protect हो जाता है. So let's see, there are basically three types of restriction modification system in the bacteria. These are the restriction modification system. I have summarized the various functions. तीन तरीके के होते हैं मॉडिफिकेशन सिस्टम, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री. देयर अनदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन सिस्टम इज देयर लाइक टाइप फोर, विच इज़ द एडवांसमेंट ऑफ द टाइप टू. ठीक है, तो उसी का ही मॉडिफिकेशन होता है टाइप फोर में. तो अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो तीन तरीके के मॉडिफिकेशन सिस्टम होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है. इट इज़ बाई फंक्शनल इन नेचर. ठीक है, टाइप वन मॉडिफिकेशन बाई फंक्शनल होता है. टाइप टू मॉडिफिकेशन सिस्टम इज यूनिफंक्शनल एंड टाइप थ्री मॉडिफिकेशन इज बाईफंक्शनल. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो बात करते हैं, तो वो जो होता है वो यहाँ पे होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैटेलाइज बोथ द रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन. रिस्ट्रिक्शन इज बेसिकली द कटिंग. ठीक है, इस कटिंग की बात करें तो जो मॉडिफिकेशन होता है और कटिंग होती है वो क्या होता है, वो सिंगल एंजाइम के थ्रू होता है. एक ही एंजाइम जो होता है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई फंक्शनल. दैट मीन्स वन सिंगल एंजाइम एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम. राइट, टाइप टू की बात करें तो टू कंपोनेंट्स फंक्शन सेपरेटली. इट इज यूनिफंक्शनल, दैट मीन्स वन यूनिट इज फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंड अनदर यूनिट फॉर द मॉडिफिकेशन. टू सेपरेट यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन इन द टाइप टू मॉडिफिकेशन सिस्टम. क्लियर है, बात करते हैं टाइप थ्री की. तो इट इज सिमिलर लाइक द टाइप वन, सिंगल एंजाइम एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम. एक ही एंजाइम दोनों काम करता है, रिस्ट्रिक्शन का भी और मॉडिफिकेशन का भी. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज टाइप वन इज एटीपी डिपेंडेंट. एटीपी डिपेंडेंट मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, इसमें एनर्जी की कंजम्पशन है. बट टाइप टू इज ATP independent, that means it doesn't require the ATP for their function. तो इसका क्या होता है कि ये costly नहीं है. ठीक है, and type 3 is very very similar to the type 1. ठीक है, ATP dependent process. So याद रखे रहेगा, कई बार multiple choice questions में even match the followings में question पूछे जाते हैं किस में ATP required है किस में नहीं है. ठीक है, और कौन separately किस में unifunctional है bifunctional है, तो वो डिफरेंसेस आप याद रखे रहिएगा. इस वे में आपको याद करने में भी आसानी होगी. ठीक है, और एक कैटायन रिक्वायर्ड होता है हर एंजाइम के थ्रू, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस के थ्रू. वो कौन सा कैटायन होता है, मैग्नीशियम 2+. वो तीनों एंजाइम के थ्रू रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा कि विच कैटायन इज यूज फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस. अब कटिंग साइट की बात करें तो कटिंग साइट जो होती है वो कटिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट, बेसिकली दो साइट्स होती हैं. समटाइम्स दोनों साइट एक हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती है. रिकॉग्निशन मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको देख के वो साइट को रिकॉग्नाइज करता है और कहाँ पे कट करता है, वो होती है कटिंग साइट. ठीक है, तो जो कटिंग साइट होती है वो 1000 बेस पेयर अवे
अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम दोनों साइड में हो सकता है रिकॉग्निशन साइट के। मतलब अगर यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है तो इससे 1000 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम या 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम पे कटिंग साइट होगा, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। जो बेस पेयर का डिफरेंस होगा ये कितना होगा, 1000, ठीक है। तो ये होता है टाइप 1। टाइप टू की बात करें तो जो कटिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट होती है दोनों सेम होती है। अगर ये कोई डीएनए सीक्वेंस है तो इसमें अगर ये रिस्ट्रिक्शन साइट है तो कटिंग साइट भी यही होगी, ठीक है। ये होता है टाइप 2। टाइप 3 की बात करें तो इट इज़ सिमिलर लाइक टाइप 1, बट द बेस डिफरेंस इज 25 बेस पेयर ओनली डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर यहाँ पे है दिस इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट, अगर ये रिस्ट्रिक्शन साइट है तो कटिंग साइट कहाँ पे होगा, 25 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है, क्लियर है, 3' एंड की तरफ। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड वेरियस मॉडिफिकेशन सिस्टम्स यूज्ड इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप डिफरेंसेस क्लियर है, बाई फंक्शनल होता है टाइप 1, टाइप 3 भी बाई फंक्शनल। मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स टाइप 1 और टाइप 3 की सेम होती है, टाइप 2 अलग होता है और इट इज़ एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है, टाइप 2 यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जो यूज की जाती हैं कहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। लाइक फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आइसोसीजोमर्स। आइसो मतलब सेम, ठीक है, सीजो मतलब कटिंग साइट, मर्स मतलब यूनिट, ठीक है। अगर डिफरेंट यूनिट्स है या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 है, ठीक है, ये अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 है और ये 1 है, तो इसमें क्या है कि ये देख रहे हो आपकी अगर सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, आइसो मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन साइट एंड कटिंग साइट, अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंड कटिंग साइट है तो ऐसे दो एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम बोलते हैं आइसोसीजोमर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अगर ये कटिंग साइट है, ये भी कटिंग साइट है, दोनों की कटिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट सेम है, फाइन। रिस्ट्रिक्शन बेसिकली रिकॉग्निशन साइट, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियोसीजोमर्स। नियोसीजोमर्स के बारे में बात करें तो दो तरीके के, अगर दे आर टू डिफरेंट एंजाइम्स, मल्टीपल एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे RE1 एंड RE2, उनका रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट तो सेम होगा लेकिन कटिंग साइट उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। जस्ट लुक एट हियर, ये जो लाइट कलर में है अगर ये कटिंग साइट है और डार्क कलर रिकॉग्निशन साइट है, तो यहाँ पे देखिए रिकॉग्निशन साइट दोनों का सेम है बट कटिंग साइट क्या है, ये AG के बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये अगर RE1 है ये RE2 है, आप देख सकते हो लाइट कलर RE2 है और डार्क कलर RE1 है। तो देखिए आप रिकॉग्निशन साइट सेम है बट कटिंग साइट दोनों का डिफरेंट है, AG बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और GT को ये कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, यहाँ पे भी वही सेम है, ओवर हैंगिंग इंट्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। तो दिस इज द नियोसीजोमर्स। आइसो मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंड कटिंग साइट, नियो मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन साइट बट कटिंग साइट इज डिफरेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज आइसोकॉडामर्स। अभी हम देखे थे आइसोसीजोमर्स, नियोसीजोमर्स, अब है आइसोकॉडामर्स। आइसोसीजोमर्स में क्या था, सेम था दोनों रिस्ट्रिक्शन साइट और कटिंग साइट, नियोसीजोमर्स में रिस्ट्रिक्शन साइट सेम था बट कटिंग साइट अलग था, आइसोकॉडामर्स में क्या होता है दोनों अलग होते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट भी अलग होगा और कटिंग साइट भी अलग होगा और कोहेसिव इन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को जो मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मस्ट बी द आइसोकॉडामर्स, मतलब उनका रिस्ट्रिक्शन साइट भी अलग होना चाहिए और कटिंग साइट भी अलग होना चाहिए। आप देख सकते हो RE1 इसका कटिंग साइट अलग है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम RE1 का, RE2 का, दोनों का अलग अलग है, राइट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्टार एक्टिविटी। स्टार एक्टिविटी क्या होता है कि जस्ट सपोज अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे किसी बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जहाँ पे क्या है सी और जी हैं, ठीक है, ये चल रहा था, लेकिन इसी रिस्ट्रिक्शन साइट में अगर सी की जगह मिसमैच की वजह से ए हो, ठीक है, और टी हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में, तो वो जो अगर इन दोनों बेसिस को, यहाँ पे एक बेस डिफरेंस है, ठीक है, उस एक बेस डिफरेंसेस को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, अगर एक्चुअल सीक्वेंस ये रहा, दिस इज एक्चुअल, ठीक है, और ये क्या था, ये एक्चुअल नहीं है, बट वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी कट करे, ठीक है, और इसको भी कट करे, तो ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं स्टार एक्टिविटी, या उनकी जो एक्टिविटी होती है वो स्टार एंजाइम्स या स्टार एक्टिविटी होती है, ठीक है। और ऐसे एंजाइम्स रिस्ट्रिक बोलते हैं स्टार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मतलब
कि अगर कोई डिफरेंस है एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह थोड़े से मॉडिफिकेशन वाला रिस्ट्रिक्शन साइट भी है, दिस इज एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन साइट, बट अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके रिस्ट्रिक्शन साइट वहाँ पे अवेलेबल है तो भी वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करेगा। ऐसे एक्टिविटी को स्टार एक्टिविटी बोलते हैं और ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एंड वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को उनको तक पहुँचाएँ जो कि स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते वेरियस कॉस्टली इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।